other students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video we'll study the chapter Joint Stock Company. तो अभी तक हमने देखा था कि private sector enterprises के अंदर जो ownership structures हैं वो कैसे complex होते चले जा रहे हैं. Like सबसे पहले हमने देखा था sole proprietorship. तो सोल प्रॉपरेटरशिप में क्या था कि आपका एक पर्सन सिंगल हैंडेडली ओनर होता था, मैनेजर होता था उस बिज़नेस का. देन हम आए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, फैमिली तक रिस्ट्रिक्टेड था. देन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या हुआ कि कुछ बाहर के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया. ठीक है, सिंगल पर्सन एंड फैमिली से थोड़ा आगे उसका स्कोप बढ़ गया. अब जो ये चैप्टर है ये है जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ओनरशिप स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो. बिकॉज कंपनी का क्या है, अगर कंपनी क्या आप आगे जब पढ़ोगे कितनी टाइप की कंपनीज होती है, तो जो पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है कितने मेंबर्स हो सकते हैं उसमें. तो इस तरीके से ये ओनरशिप स्ट्रक्चर मेंबर्स से रिलेटेड, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उस बेसिस पर कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है. क्यों हो रही है, रीज़न ये है कि हुआ क्या था. सबसे पहले सोल प्रॉपरेटरशिप के फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट हुआ था. उसके बाद जब लगा कि एक सिंगल पर्सन से नहीं हैंडल हो पा रहा है देन पार्टनरशिप आ गई. अब जब पार्टनरशिप पे भी क्या है, पार्टनरशिप जब ग्रो करने लगी, एक्सपैंड करने लगी, देन वो भी मैनेज करना उन पर कुछ गिने चुने पार्टनर्स के लिए नहीं था, उनके लिए वो पॉसिबल नहीं था, ईजी नहीं था कि वो अपने बिजनेस को मैनेज कर सके. तो जो सोल प्रॉपरेटरशिप और पार्टनरशिप थी, इन बिजनेस में जो प्रॉब्लम आ रही थी, उनके जो डिसएडवांटेज थे, उन सबको ओवरकम करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी वाली ओनरशिप बनाई गई. ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी है क्या. वैसे तो देखो ये एक डेफिनेशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, बुक में कई डेफिनेशंस दी गई हैं. ये डेफिनेशन इसलिए बिकॉज इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिससे कंपनी का कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आएगा. ठीक है, तो लाइक इस डेफिनेशन में ये बोला गया है कि इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. तो देखो सबसे पहला क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एक ग्रुप है कई सारे लोगों का. जैसे अभी तक था पार्टनरशिप में था, पार्टनरशिप भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स था एंड ये भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होती है. हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. देखो अभी तक हमने ये देखा था कि सोल प्रॉपरेटरशिप, फैमिली बिजनेस एंड जो आपका पार्टनरशिप था उसमें आपने ये एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी जिसमें था नो सेपरेट लीगल एंटिटी. मतलब वो जो बिज़नेस ओनरशिप की हम बात कर रहे हैं उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, जिससे ये पता चल रहा था कि वो बिज़नेस लॉ की आइज़ में उसके ओनर से अलग नहीं माना जाता है. उस बिज़नेस को और उसके ओनर को एक ही माना जाता है. अगर ओनर की डेथ होगी देन बिज़नेस भी उनका डिसॉल्व कर जाएगा. ये कंडीशन पार्टनरशिप में भी थी एंड सोल प्रॉपरेटरशिप में भी थी. ठीक है, अब ये जनरल पार्टनरशिप की बात हो रही है. जॉइंट स्टॉक कंपनी में डेफिनेशन में पहले ही बताया गया हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. इसका मतलब है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है. सेपरेट मतलब डिफरेंट, सेपरेट फ्रॉम द ओनर, जो उस कंपनी के ओनर है उनसे सेपरेट. लीगल का मतलब इन द आइज ऑफ लॉ एंड एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब जो एग्जिस्टेंस की बात है. यहाँ पर लीगल टर्म इसलिए यूज़ हुआ कि अगर सेपरेट एग्जिस्टेंस हम बोलते या सेपरेट एंटिटी हम यूज़ करते देन वो ये जो टर्म है सेपरेट एंटिटी या सेपरेट एग्जिस्टेंस ये हर एक चीज़ के लिए कॉमन है. इस मार्कर की सेपरेट एंटिटी है. ठीक है, ये जो आपका अगर हाउस है आपका एंड आप हो, आप दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हो, दो डिफरेंट पर्सन है वो सेपरेट एंटिटी हैं. ठीक है, सेपरेट एंटिटी में लाइक आपकी बुक है वो आपकी, वो सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी. जितनी भी चीज़ें आपसे अलग हैं वो सेपरेट एंटिटी हैं. ठीक है, बट वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, क्योंकि लीगल टर्म लगने से मतलब है कि इन द आइज़ ऑफ लॉ, एंड इन द आइज़ ऑफ लॉ की जब बात आती है देन वो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है. इसमें यह है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब है कि ये आपकी कंपनी है. चलो इधर एक बना देते हैं, ये आपकी एक कंपनी है. ठीक है, एंड सेम वही कॉन्सेप्ट लेते हैं. मान लीजिए अभी इस कंपनी में 10 लोग हैं. ठीक है, 10 लोग हैं, उनको क्या बोलेंगे, जो टर्म्स यूज़ करने वो आगे बताया जाएगा. ठीक है, धीरे धीरे करके. तो 10 लोग हैं जो इस कंपनी के ओनर हैं. ये ओनर्स हैं. ठीक है, ओनरशिप स्ट्रक्चर की बात, और ये ओनर्स हैं. ये जो ओनर्स हैं और ये जो कंपनी है इनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है. मतलब ये कंपनी जो है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स.
ये ओनर्स अलग माने जाएंगे, कंपनी अलग मानी जाएगी, ठीक है। ये हर जो भी कंपनी है सबका ये रोल है, तभी ये जनरल डेफिनेशन दिया गया। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब कंपनी का मतलब है कि इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, अभी वैसे तो जब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे आएंगे तब पता चलेगा, बट ये होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी से इतना मान लीजिए कि ये ओनर्स जो हैं, ओनर्स की डेथ हो या वो इंसॉल्वेंट हो जाए या ल्यूनिसी हो, देन ये कोई भी चीज़ अगर ओनर्स के साथ होती है एंड बाय चांस जितने भी ओनर्स उस कंपनी के हैं ये सारे 10 ओनर्स जो हैं इन सब की डेथ हो जाए, देन टू दिस कंपनी विल नॉट डिसॉल्व। ये कंपनी तब भी नहीं बंद होगी, डिसॉल्व नहीं होगी। रीज़न ये है कि इसकी जो एंटिटी है इट इज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसकी लीगल एग्जिस्टेंस इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। एंड सेपरेट लीगल एंटिटी से क्या समझ में आ रहा है कि अगर इसके सारे ओनर्स की भी डेथ हो जाएगी देन कंपनी फिर भी रहेगी। तो अगर कंपनी की अब कंपनी फिर भी रह रही है, इसका क्या मतलब है कि जो उसकी एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। एंड उससे दूसरा आपका आता है परपेचुअल सक्सेशन, जो इसके चीज़ें हैं वो रिलेटेड है, जो इसके टर्म्स हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इस कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। परपेचुअल सक्सेशन, तभी पॉइंट्स में इसको दिया ताकि वो क्लियर हो जाए कि क्या मेन बात हो रही है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मतलब हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए चलने वाली। बिकॉज इसकी जो लाइफ है वो तभी एंड होगी, देखो जैसे ही ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस में आ गई ना, जैसे ही लॉ के आइज़ में ये एक अलग मान ली गई लीगल एग्जिस्टेंस, उसको प्रोवाइड कर दी गई अलग से, देन लॉ ही उसको बंद कर सकता है। तो ये आपका सेंटेंस है उसमें कि ओनली द लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। कंपनी के एग्जिस्टेंस को एंड करने का राइट केवल लॉ का है, बिकॉज लॉ ने उसको एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस दी है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि उसको एक सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जो कंपनी होती है आपकी, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इससे ये क्लियर होगी चीज़, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। तो कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है बिकॉज उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। रीज़न पता चल गया है कि ये इसलिए बिकॉज ओनर्स के साथ कुछ भी हो, कंपनी विल नॉट बी डिसॉल्व, इट विल ओनली बी डिसॉल्व बाय द लॉ, बिकॉज लॉ इसका क्रिएटर है, लॉ ने क्रिएट करी है, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं एंड वही उसको डिसॉल्व करेंगे। तो इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अब देखो, कंपनी को हमने आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया, ठीक है, एक हम नेचुरल पर्सनस हैं, ठीक है, वी आर नेचुरल पर्सनस, नेचुरल ह्यूमन बींग्स। कंपनी को आर्टिफिशियल ह्यूमन बींग या आर्टिफिशियल पर्सन की तरफ ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, ये थर्ड जो पॉइंट आपको बता रहा है, ये कह रहा है कॉमन सील। कॉमन सील का क्या मतलब है, देखो हर पर्सन का सिग्नेचर होता है एंड बिजनेस वर्ल्ड में सिग्नेचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे सर्व एज अ प्रूफ कि आप अग्री कर रहे हो किसी चीज़ के लिए या आप डिसअग्री कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, अभी के लिए इतना ही जानो। तो कॉमन सील जो है, कॉमन सील आपने देखा होगा अक्सर सील लगाई दी जाती है, कुछ पेपर्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें सील अफिक्स होती है एंड उस सील पे उस कंपनी का नाम लिखा होता है। तो वो सील क्या है, वो सील जो होती है इसे हम बोलते हैं ऑफिशियल सिग्नेचर। ऑफ कंपनी जो कॉमन सील होती है, इट इज़ द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन की तरह अगर ट्रीट किया जा रहा है देन उस कंपनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जो भी चीज़ें होंगी उस बिजनेस में, उसमें कंपनी का अप्रूवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी का अप्रूवल कैसे होगा, कंपनी की सील लगाकर। अब देखो, कंपनी की सील कंपनी लगाने तो आएगी नहीं, बिकॉज इट इज़ अ कंपनी, क्या है वो, एक आर्टिफिशियल चीज़ है, कुछ नेचुरल नहीं है। नेचुरल कौन है, नेचुरल ह्यूमन बींग्स है जो ओनर्स उसे ऑपरेट कर रहे हैं, जो उसको मैनेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आगे पता चलेगा क्या डिफरेंस आ रहा है। जो कि अभी के लिए जो ओनर्स हैं इस कंपनी को, जो इसको ओन कर रहे हैं, वो ही इस कंपनी की कॉमन सील को उन डॉक्यूमेंट्स में अफिक्स करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ कुछ लोगों को कर दिया जाता है कि डिसाइड कर दिया जाता है, उनको इलेक्ट कर दिया जाता है कि हाँ कॉमन सील लगाने का राइट आपका है, ठीक है। एंड उनको ये कॉमन सील इसलिए लगानी होती है कि अगर किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे उन्होंने कॉमन सील नहीं लगाई देन होगा ये कि वो डॉक्यूमेंट कंपनी पर बाइंड नहीं करेगा,
क्यों? अब जैसे ये दो लोग हैं, राम एंड श्याम, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये बोला जा रहा है, मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, कोई अग्रीमेंट देनी हो, एंड राम ने अग्री कर दिया कि ठीक है, आई अग्री टू द प्रपोजल, ठीक है, उन्होंने अग्री कर दिया। अब अगर जो दूसरे पर्सन है, दूसरे पर्सन श्याम है अगर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिग्नेचर नहीं करा, दिन क्या होगा? वो डॉक्यूमेंट केवल राम पर करेगा ना कि हाँ, राम जो है उन्होंने अग्री करा है कि उन्होंने इस बात के लिए प्रपोजल के लिए अग्री कर दिया है। तो अगर आप कुछ उल्टा वो बोलेंगे या कुछ करेंगे, देन वो डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए होगा कि नहीं, राम ने अग्री कर दिया था। ये होता है अक्सर। अब श्याम मे बी वहाँ पर प्रेजेंट हो, मे बी उनसे रिलेटेड चीज़ें भी उस डॉक्यूमेंट में लिखी हो, बट अगर उनका सिग्नेचर नहीं होगा उसमें, देन कोई नहीं मानेगा कि श्याम जो वो भी अग्री कर रहे हैं इस बात से। यही चीज़ कंपनी के साथ है। अगर कंपनी की कॉमन सील किसी डॉक्यूमेंट पे अफिक्स नहीं होगी, देन जिन लोगों के सिग्नेचर्स हैं केवल उन्हीं पर वो डॉक्यूमेंट बाइंड करेगा, कंपनी पर बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल अलग पर्सन मानी जाती है। तो इसलिए कंपनी का इम्पोर्टेंस और बढ़ रहा है, ठीक है। कंपनी बाकी ओनरशिप स्ट्रक्चर से अलग है। यहाँ पे क्या है, जो ओनर्स हैं, जो मैनेज कर या ओन कर रहे हैं कंपनी को, उनमें और उस कंपनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है, रीजंस आगे पता चलेंगे, ठीक है। तो इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। कॉमन सील इज़ द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। अब देखो, इसके आगे एक और चीज़ आ रही है। अभी तक इतना पता चला कंपनी क्या होती है, तो ओवरव्यू थोड़ा सा पता चल गया। वो जब फीचर्स आप पढ़ोगे देन आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। लाइक अब है आपका आगे देखते हैं, इट्स कैपिटल। कैपिटल देखो, कैपिटल यही है जो ओनर होता है किसी भी बिजनेस का, ठीक है, किसी भी ओनरशिप स्ट्रक्चर का। कोई ओनर जो है, वो ओनर जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ठीक है, जितना भी अमाउंट ओनर बिजनेस में लगाता है वो उस बिजनेस के लिए कैपिटल होता है। अगर ये ओनर 10 ओनर में मान लीजिए मिस्टर ए हैं, इन्होंने इस कंपनी को 2 लाख रुपीज़ दे दिए, 2 लाख रुपीज़ इस कंपनी में क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। कंपनी हमें, अगर हम कंपनी हैं, ये मिस्टर ए है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 लाख रुपीज़ में हमें इन्वेस्ट कर दिए, हमें दे दिए कंपनी, और हम कंपनी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए ये जो इन्वेस्ट करके आए ये कैपिटल है, ठीक है, ये कैपिटल है कंपनी के लिए, ये कैपिटल होता है, ठीक है। इसको कैपिटल टर्म से ट्रीट किया जाता है, इस अमाउंट को जो एक ओनर कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, ये आपका कैपिटल होता है, कंपनी का कैपिटल होता है। तो तभी लिखा है इट्स कैपिटल, जो कंपनी का कैपिटल होता है, मतलब उसके अभी 10 ओनर्स में सब ने कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करा होगा, तो वो पूरी टोटल अमाउंट बन के इस कंपनी की कैपिटल बन जाती है, और इस कैपिटल से फिर कंपनी बिजनेस शुरू करती है। अब कंपनी बिजनेस शुरू करती है मतलब यही है कि ओनर्स ही ऑपरेट करेंगे, ओनर्स ही सब काम करेंगे, बट ये है कि कंपनी के नाम से बिजनेस हो रहा है ना, कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इसीलिए जितने भी चीज़ें होंगी वो इस पर्सपेक्टिव से करी जाएंगी कि कंपनी एक अलग पर्सन है, और बोला ये जाएगा कि हाँ कंपनी ने ये ट्रांजैक्शंस करे, कंपनी जो है इस कंपनी का प्रॉफिट इतना हुआ, प्रॉफिट कैसे हुआ या लॉस कैसे हुआ, क्योंकि ओनर्स काम कर रहे हैं ना, कंपनी तो काम नहीं करेगी, बट कंपनी के नाम से हो रहा है, ठीक है। तो ये तभी जो है डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, अभी के लिए इतना ही समझो कि इट इज़ एन एक एसोसिएशन होता है पर्सनस का, इस एसोसिएशन का, इस कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, ओनर्स की डेथ हो, ल्यूनिसी हो, इंसॉल्वेंसी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, इसीलिए कोई उस पर इफेक्ट नहीं होगा। कॉमन सील होती है विच इज़ द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, एंड इस कंपनी का कैपिटल होता है। कैपिटल का मतलब यह है ये ओनर जो पैसा लगाएगा कंपनी में वो उस कंपनी के लिए ट्रीट कैपिटल होगा, बस इतना ही जानना भी ज़रूरी है। तो इट्स कैपिटल इज जनरली डिवाइडेड। अब देखो, जो कैपिटल होता है, अब ये कॉन्सेप्ट आगे अभी इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे पूरे डायग्राम से होता क्या है। इट्स जनरली डिवाइडेड इनटू शेयर्स, ठीक है, इट इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू शेयर्स। जो कैपिटल होता है कंपनी का, अभी वैसे जान लो कैपिटल को डिवाइड कर दिया गया है शेयर्स में। क्या होते हैं आगे कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। शेयर्स में इनको डिवाइड कर दिया जाता है, विच आर ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, एंड इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अभी जो आगे की कहानी है ये आगे बताते कैसे होता है, अभी के लिए आप सत्ता जानो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है,
सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सील, एंड इसका कैपिटल होता है जिसको शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अभी ये होगी ये आपकी यहाँ पर एक डेफिनेशन। ये इसलिए ये वाली डेफिनेशन उठाई, इससे अच्छी डेफिनेशन भी बुक में है, बट ये है कि इसमें जो टर्म्स हैं आपको इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कंपनी में होता क्या, इसलिए ये डेफिनेशन से शुरू कर रहे हैं। अभी इसके आगे का जो लाइन दी गई ये कैपिटल वाली, कैपिटल का पूरा क्या कहानी है, क्या होता है, उसका एकदम छोटा सा जनरल अंडरस्टैंडिंग देंगे। इससे ये होगा कि जब आप आगे उसको चैप्टर को रीड करोगे तो कुछ कॉन्सेप्ट्स में समझ आ जाएंगे थोड़ी थोड़ी बातें, बिकॉज एटलीस्ट पता होना दो बुक में नहीं, आपके सिलेबस में नहीं इतना डिटेल में, बट आई थिंक अच्छा रहेगा अगर ये थोड़ा सा पता चल जाए आपको। देखो होता क्या है, चलो एक कंपनी है, ठीक है, ये है आपकी कंपनी, कंपनी का कुछ भी नाम है, ठीक है, कुछ भी नाम है कंपनी का। अब क्या होगा, कंपनी का ये बताया था कैपिटल क्या होता है, कंपनी का कैपिटल वो होता है जो ओनर उस कंपनी का है वो इस कंपनी में कंपनी को दे देगा, कंपनी को इन्वेस्ट नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल टर्म्स यूज़ करते हैं, कंपनी को दे देगा जो ओनर ने, ओनर कोई भी मान लीजिए अभी राम है, राम ने इस कंपनी को अगर दे दिए 2 लाख रुपीज़, ठीक है, राम ने क्या किया, राम ने इस कंपनी को दे दिए 2 लाख रुपीज़, तो ये कंपनी का क्या हो गया, कैपिटल हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि राम जाएंगे कंपनी को 2 लाख रुपए दे दें, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, होता ये है, ये कंपनी है आपकी, ठीक है, ये कंपनी कैसे बनेगी, कुछ लोग ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, उन कुछ लोगों ने चलो ग्रुप बना लिया है, ठीक है, अब वो ग्रुप क्या है आपका, मान लीजिए 5 लोगों का ग्रुप बना हुआ है जिन्होंने कंपनी बनाई है। इन्होंने क्या करा, ये 5 लोग जो हैं, 5 लोग हैं आपके ए बी सी डी ई, ठीक है, इन्होंने थोड़ा थोड़ा अमाउंट कंपनी को दे दिया अपनी सेविंग्स से, मान लीजिए इनके पास कहीं की सेविंग्स पड़ी हुई थी, ए के पास मान लीजिए 20,000 रुपीज़ थे, बी ने 30,000 दे दिए, सी ने 50,000 दे दिए, डी ने 10,000 दे दिए, ठीक है, ई ने आपका 15,000 दे दिए, इतने इतने करके इन्होंने क्या किया, एक कंपनी खोल ली, बना ली, ठीक है, सोचा कि चलो अब बिज़नेस उसका रन कर देंगे। होता क्या है, इतने से अमाउंट में कंपनी नहीं रन कर सकती है, ठीक है, अब अगर इनको अच्छा खासा बिज़नेस करना है तो ये इतने से अमाउंट में जितना इन सब ने इन्वेस्ट करा इसमें कंपनी नहीं ग्रो कर पाएगी, ठीक है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, फंड्स, इसीलिए हम फंड्स बोलते हैं, फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो होता क्या है, अब मान लीजिए इनको क्या है, अब ये कहानी हटा देते, अभी ये बताया कि चलो कंपनी बन गई, कैपिटल और शेयर्स की कहानी कैसे शुरू होती है। अब आप ऐसा समझो कि एक कंपनी है, देखो इसलिए ये एक्सप्लेन ऐसा कर रहे हैं बिकॉज फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब आप बस ये समझ के चलो कि एक कंपनी है, ठीक है, लाइक आप किसी भी टाइप की कंपनी की बात हो, चलो कंपनी ऐसी, कोई नाम नहीं कंपनी का, कंपनी ए बी सी डी जो भी आप चाहो नाम रख दो उसका, कंपनी है, इस कंपनी को क्या है, अभी इस कंपनी को चाहिए कैपिटल, इसके पास कैपिटल की कमी, इसको पैसे चाहिए, ठीक है, कंपनी क्या करेगी, या तो लोन वोन ले लेगी, ठीक है, कंपनी क्या करेगी, लोन वोन ले लेगी, बट कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, शेयर्स कैपिटल क्या होता है, तो इसके लिए ये देखते हैं कंपनी ने क्या करा, कंपनी करती क्या है, कंपनी को चाहिए, चलिए 5 लाख रुपीज़ की बात करते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5, कंपनी का जो है 5 लाख रुपीज़ चाहिए, ठीक है, अब कंपनी कहाँ से लाएगी, ठीक है, कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने सोचा कि एक काम करते हैं, 5 लाख रुपीज़ चाहिए तो एक इंसान तो आकर हमें डायरेक्टली 5 लाख रुपीज़ तो देगा नहीं, ठीक है, एक इंसान आकर 5 लाख रुपए तो कंपनी को दे नहीं देगा, ठीक है, होता है, क्यों कोई 5 लाख रुपए देगा, अभी मैं आपके पर्सपेक्टिव से बात करूँ, 5 लाख रुपए आप दे दोगे कंपनी को, नहीं दोगे, ठीक है, कोई भी कंपनी, अब इनको 5 लाख रुपए चाहिए, इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, पाँच लाख को 10,000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 5 लाख को 10,000 में डिवाइड कर देते, कितना बचा, 1, 2, 3, 4, 50, 50 रुपये केवल हुए, कितना हुआ, 50 रुपीज़ हो गए। कंपनी ने सोचा हम 10,000 में डिवाइड कर देते इस 5 लाख के अमाउंट को, हम क्या करते हैं, हम 10,000 में इस 5 लाख को डिवाइड कर देते हैं, मतलब हम 10,000 शेयर बना देते हैं, ठीक है, शेयर आप देखो
इमेजिनरी चीज़ समझ, शेयर बना दिए गए, ठीक है। 10,000 शेयर इस कंपनी ने बना दिए, जिसमें से एक शेयर की वैल्यू 50 रुपीज़ थी, ठीक है। अब आप शेयर को आप ये समझ लो, चलो शेयर की जगह हम ऐसा टर्म यूज़ करते हैं जिससे आपको एक आइडिया लग सके क्या होता है। शेयर्स की जगह आप सोचो कि आपने 10,000 टॉफ़ीज़ बना ली, ठीक है, 10,000 टॉफ़ीज़ बना ली, जिसमें से एक टॉफ़ी आपकी 50 रुपीज़ की है, ठीक है। आपको चाहिए, अब आप क्या करोगे, वो आपने 10,000 टॉफ़ीज़ ली, उसको आपने एक शॉप पर जाकर रख दिया, आपने कहा एक टॉफ़ी 50 रुपीज़ की है, ठीक है। आपने वो टॉफ़ी सेल करी, एक इंसान आया, उसने क्या करा, उसको जो है क्या करना था, उसको चाहिए थी 5 टॉफ़ीज़, चलो 5 ने, उसको 2 टॉफ़ी केवल चाहिए थी, ठीक है, उसको 2 टॉफ़ी चाहिए थी, उसने कहा ठीक है उनको 2 टॉफ़ीज़ दो, और उसने आपको 100 रुपीज़ दे दिए, 15 × 200, ठीक है, आपके पास 100 रुपीज़ आ गए। ऐसे करते करते दूसरा इंसान आया, दूसरे इंसान ने 10 टॉफ़ीज़ ले ली, ठीक है, उसने 500 रुपीज़ आपको दे दिए। तीसरा इंसान आया, उसने आपको उसने 50 टॉफ़ीज़ ले ली, उसने और पैसे आपको दे दिए। ऐसे करते करते रात तक आपकी सारी टॉफ़ीज़ बिक गई। तो अब जब 50 रुपीज़ की पर टॉफ़ी 10,000 टॉफ़ीज़ आप बेच दोगे, देन क्या होगा, आपके पास 5 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे 5 लाख रुपीज़, मिल गए पैसे। अब यही कॉन्सेप्ट आप कंपनी के लिए लगाओ, कंपनी ने यह टॉफ़ी नहीं बनाई, कंपनी ने शेयर बना दिए, कंपनी ने शेयर बना दिए, उन शेयर को एक मार्केट पे जाकर रख दिया, ठीक है, इनकी मार्केट होती है, वहाँ मार्केट पे इन्होंने रख दिया, इन्होंने कहा देखो एक शेयर 50 रुपीज़ का है, एंड जितने चाहो आप, जितने आप ले सकते हो उतने खरीद लो। किसी को पता चला, क्या पता चला, चलो राम है, राम आए, उनको पता चला कि अच्छा ये कंपनी है एंड इसके 50 रुपीज़ के पर शेयर है। उन्होंने सोचा 50 रुपीज़ का है केवल, चलो एक काम करते हैं 3 या 4 शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है। अब 50 रुपीज़ का था, उन्होंने 4 शेयर्स अगर खरीद लिए, उन्होंने क्या करा 4 शेयर खरीद लिए। अब 4 शेयर अगर वो खरीदेंगे तो 4 × 50 200 रुपीज़ हो गए। तो अगर वो कहेंगे हमें 4 शेयर दो, पर शेयर का प्राइस 50 रुपीज़ है, तो वो 200 रुपीज़ उन्होंने दिया, 4 शेयर खरीद लिए, ठीक है। दूसरे पर्सन आए, उन्होंने भी ऐसे करा। तो ऐसे करते करते क्या होता है, कंपनी के पास अब वो अमाउंट आ रही है ना, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, जितना चाहे वो आती रह रही है उनके पास, कंपनी के पास आ रही है शेयर बेच कर, ठीक है। तो वो जो उनके पास अमाउंट आ रही है, इससे क्या हो रहा, फंड आ रहा है कंपनी के पास, कंपनी का कैपिटल बन रहा है, ये कंपनी का कैपिटल हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही राम ने उस कंपनी के शेयर खरीदे, वो 4 शेयर खरीदे, राम उस कंपनी का ओनर बन गया। समझ में आई? जैसे ही राम ने शेयर खरीदे उस कंपनी के, वो उस कंपनी के ओनर बन गए। ओनर बनते ही वो जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट कर दी, जो उन्होंने 200 रुपीज़ दिए, वो उस कंपनी का कैपिटल हो गया। एंड बस इतना ही अभी आप लोग जानो, ठीक है, समझ आया। कंपनी ने 5 लाख रुपए चाहिए थे कंपनी को, 10,000 उसने शेयर बना दिए। स्टॉक मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर कंपनी अपने शेयर्स बेचती है, शेयर्स रखती है। स्टॉक मार्केट आपने टर्म सुना होगा, स्टॉक मार्केट में जाकर रख दिए, बेच दिए, उनके पास कैपिटल आ गई, जो जो लोगों ने उनके शेयर खरीदे वो सब उस कंपनी के ओनर बन गए। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जो शेयर जो जो खरीदते हैं, जो बाय करते हैं, वो उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं, ठीक है। जो शेयर्स खरीदते हैं वो उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। समझ में आ रही बात? ये है कि शेयर खरीदते ही वो पर्टिकुलर पर्सन उस कंपनी का ओनर बन जाएगा। तो ये कहानी होती है इसमें, ओनर बन जाएगा। अब ओनर बनने के बाद क्या होगा, ओनर बनने के बाद की कहानी मत जानिए। ओनर बनने के बाद की कहानी बस इतना पता होनी चाहिए कि ये ओनर की और इस कंपनी की जो आइडेंटिटी है, इस कंपनी की आइडेंटिटी सेपरेट लीगल है। इट इज़ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, इट हैज़ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी और एंटिटी में फ़र्क होता है। हैज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है और ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। समझ में आ गया डिफरेंस? क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं इनको सेंटेंस में यूज़ करने का भी एक वे होता है, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी होती है और इस, या फिर इस कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है ओनर से, ठीक है। ओनर इनके अलग होते हैं। तो ये ओनर बनते बन गए एंड इस कंपनी का कैपिटल आ गया। तो कैपिटल और शेयर की कहानी समझ में आ गई होगी। क्या इसमें दिया है? इसमें दिया है लाइन कि
इट्स कैपिटल इज जनरली डिवाइडेड इनटू शेयर्स. कैपिटल को शेयर में डिवाइड कर दिया जाता है विच आर ट्रांसफरेबल. अब देखो इसमें एक टर्म आपको आ गया विच आर ट्रांसफरेबल. ट्रांसफरेबल क्या होता है, बस ये समझ लो कि अगर अब देखो जैसे इन्होंने ओनर ने मिस्टर राम थे, मान लो राम थे, इन्होंने जब शेयर खरीदे तो ये इस कंपनी के ओनर बन गए. अब अगर वो चाहते हैं कि वो ये ओनरशिप वो छोड़ना चाहते हैं, वो इस कंपनी के ओनर नहीं रहना चाहते, तो वो शेयर किसी को ट्रांसफ़र कर देंगे, किसी को ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है, अब जिनको ट्रांसफ़र कर देंगे, जिनको जैसे ट्रांसफ़र क्या होता है, अपनी चीज़ किसी को दे देना, ट्रांसफ़र कर देना एक जगह से दूसरी जगह. शेयर्स अगर उन्होंने किसी और पर्सन को दे दिए देन वो पर्सन ओनर बन जाएगा एंड राम जी उनकी ओनरशिप ख़त्म हो जाएगी. तो अभी के लिए ये समझो कि हाँ उनको अगर चाहते हैं कि वो कंपनी की ओनरशिप नहीं लेना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं ओनरशिप कंपनी की, तो जो शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं जिनसे उन्हें ओनरशिप मिली थी वो किसी और को ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है, तो होता क्या है, अब इसमें आपका ये कि बस इतना समझ लो कि ये जो शेयर्स हैं ट्रांसफरेबल होते हैं, इन शेयर को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक बेसिक थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कंपनी में होता क्या है. ठीक है, क्या चलती है, क्या करती है, एटलीस्ट शेयर्स और जो, क्योंकि अभी ये डिटेल कॉन्सेप्ट समझने की कोई वो नहीं है, बट ये इससे ये है कि आगे जो आप फीचर्स एंड मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ोगे उसमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, अदरवाइज फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो देखो अब यहाँ पर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिल गई, अब आगे बढ़ते हैं. आगे हम देखेंगे कंपनी के फीचर्स क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या है. कंपनी के फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट फीचर जो आपका आता है वो है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट कई बार समझा दिया, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्या है. आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, लॉ ने क्रिएट करी है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, कंपनी का एक्ट ओनर्स पर बाइंड नहीं करता है. एक इसमें लास्ट में आपकी लाइन जो दी गई वो ये है कि देयर कैन बी कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स मेंबर्स. ठीक है, जो कंपनी आपकी कंपनी होती है उस कंपनी में और उनके जो मेंबर है, जो मेंबर है ओनर है कंपनी के, उनमें भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं. कंपनी जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अग्रीमेंट्स कुछ भी कर सकती है उन मेंबर्स के साथ. एंड जो ये कंपनी है आपकी, देखो ये कंपनी थी आपकी, कंपनी थी आपकी, इसके मान लीजिए केवल क्या बोलते हैं, इसके मान लीजिए 5 ओनर्स हैं, केवल 5 मेंबर्स हैं. ठीक है, 5 मेंबर्स हैं. तो अब क्या हुआ, इस कंपनी ने अगर कोई लोन लिया, कोई लोन लिया गया इस कंपनी के लिए, लोन लेंगे तो ओनर ही लोन लेंगे, पर अगर वो इस कंपनी के लिए लोन ले रहे हैं, वो लोन इस कंपनी के लिए है एंड लोन इन्होंने लिया है राम से, तो राम ने जब इनको लोन दे दिया तो देखो दो टर्म्स आप पे, तो राम ने क्या किया, लोन दिया, किसको दिया, कंपनी को दिया. तो राम ने जब कंपनी को लोन दे दिया तो राम के लिए कंपनी क्या हो गई, राम ने कंपनी को क्या दिया, पैसे, लोन दे दिया. ठीक है, तो कंपनी राम के लिए डेटर हो गई. राम जो रहेगा उसके लिए जो कंपनी है वो क्या हो गई, डेटर हो गई. अब उस कंपनी को जितना भी लोन इन्होंने दिया है, मान लीजिए 20,000 का लोन दिया था, वो 20,000 इस कंपनी को राम को वापस करने होंगे. ठीक है, वापस चुकाना होगा. एंड कंपनी के लिए जब राम ने उसको लोन दिया 20,000 रुपीज़ का, तो कंपनी के लिए राम क्या हो गया, कंपनी के लिए राम जो है वो क्रेडिटर हो गया. क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया. तो डेटर और क्रेडिटर क्या होता है, अब समझ आ गया होगा. जो लोन देता है, जिसने लोन दिया है वो क्या है, क्रेडिटर, जिसने लोन लिया है वो है डेटर. ठीक है, तो इसमें लाइन ये है कि कंपनी का जो क्रेडिटर है, मतलब कंपनी ने जिससे लोन लिया है वो मेंबर से आकर वो लोन नहीं ले सकता है. ठीक है, कंपनी से कैसे लेगा, बात की बात है, पर जो कंपनी का क्रेडिटर है वो मेंबर्स का क्रेडिटर नहीं होता है. जो ये राम है ये इन मेंबर का क्रेडिटर नहीं है, वो किसका क्रेडिटर है, कंपनी का क्रेडिटर है. कंपनी किसकी डेटर है, राम की डेटर है, ये बात आती है. तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है. अगर राम है, अगर मान लीजिए चलो राम छोड़ो, ए है एंड बी है, बी ने अगर लोन ले लिया राम से, तो क्या ए, राम ए के पास भी वो पैसे लेने आएंगे लोन के, नहीं आएंगे, बिकॉज उन्होंने तो बी को दिया है. रीज़न क्या है कि ए और बी अलग अलग लोग हैं,
ठीक है, इसी टाइप से कंपनी जो है उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो चुकी है, तो अब कंपनी जिससे भी लोन लेगी, कंपनी जो लोन लेगी वो लोन जो है वो उसके मेंबर्स पे ओनर्स पे बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस जो आपका ये है, इससे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस केस है, ठीक है, बुक में पूरा वो दिया आपका एग्जाम्पल। सेपरेट लीगल एंटिटी जो है उससे रिलेटेड केस है, वो केस है सॉलोमन का। देखो उसको पूरा रीड करते हैं, देन आपको समझ में आएगा। देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अ कंपनी वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन द फेमस केस ऑफ सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी। सॉलोमन दो लोग थे, सॉलोमन आपका पर्सन था एक, ठीक है, एंड एक थी ये, चलो ये सॉलोमन एंड कंपनी है, ठीक है, सॉलोमन था एंड ये सॉलोमन एंड कंपनी, ये एक पर्सन है आपका, ठीक है, ये एक पर्सन है एंड ये सॉलोमन एंड कंपनी इनकी। तो हुआ क्या था, सॉलोमन फॉर्मड अ कंपनी विच एक्वायर्ड हिज ओन शू बिजनेस। जो सॉलोमन है, इन्होंने सोचा कि चलो एक कंपनी बनाते हैं शू बिजनेस की, शू बिजनेस की इन्होंने कंपनी बना ली। ही टुक ऑल द शेयर्स एक्सेप्ट 6 शेयर्स विच ही डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज वाइफ, डॉटर एंड 4 सन्स। अब सॉलोमन ने क्या क्या कुछ शेयर्स बनाए होंगे, उनको भी कैपिटल चाहिए, जैसे भी शेयर्स बताए गए थे शेयर्स बनाए जाते हैं, तो सॉलोमन ने भी कंपनी के शेयर्स डिसाइड करे क्या शेयर्स कैसे होंगे। उन शेयर्स में से सारे शेयर्स सॉलोमन ने लिए, मतलब सारे शेयर्स सॉलोमन ने खरीदे एंड पैसे लगा दिए, कैपिटल लगा दिया कंपनी में, कंपनी के ओनर बन गए, ठीक है। सारे शेयर्स सॉलोमन ने लिए एक्सेप्ट 6 शेयर्स उन्होंने नहीं लिए। 6 शेयर्स जो थे वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किस में, जो 6 शेयर्स थे उसमें से 6 शेयर्स थे, पहला शेयर अपनी वाइफ को दे दिया, दूसरा एक दे दिया अपनी डॉटर को, एंड जो 4 बच्चे थे वो उनके 4 सन्स थे, 4 बेटे थे, उनको उन्होंने शेयर दे दिया। तो एक तरीके से वो कंपनी के जितने शेयर्स थे वो एक ही फैमिली में थे, सॉलोमन उसके पास सारे शेयर्स थे, एक शेयर उनकी वाइफ के पास, एक उनकी डॉटर के पास, 4 उनके सन्स के पास, एक एक करके 4 सन थे उनके, ठीक है। तो सॉलोमन ने ये कर दिया। अब हुआ क्या, सॉलोमन ऑल्सो परचेज सम डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी विच गेव हिम अ चार्ज ओवर इट्स एसेट्स। देखो इसमें एक और टर्म यूज हो रहा है, ये टर्म है आपका डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी आप एक तरीके से यही समझो शेयर टाइप का है, ठीक है। ये है डिबेंचर्स भी सॉलोमन ने खरीद लिए का मतलब अभी यही कि उन्होंने अमाउंट लगाई होगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सॉलोमन ने डिबेंचर्स भी ले लिए, जिससे उनको इस कंपनी के असेट्स के ऊपर एक राइट मिल गया। असेट्स क्या होते हैं, असेट्स वो चीज़ें होती हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है उस बिजनेस के दौरान, किसी चीज़ को सेल करने के लिए या ख़रीदने के लिए नहीं होती है, सेलिंग के लिए नहीं होती, रीसेल के लिए नहीं होती है। वो चीज़ें उस बिज़नेस में यूज़ करने के लिए होती हैं, कि अगर आप एक स्टेशनरी स्टोर में जाओगे तो वहाँ पर जिस टेबल पर को वो यूज़ कर रहे हैं अपना सारा जो भी उनको दिखाना है रखने के लिए, जो उनकी शेल्फ्स बनी हुई हैं उस स्टेशनरी स्टोर में, उस शॉप में, वो जो है उस स्टेशनरी शॉप की असेट मानी जाएगी, बिकॉज वो नहीं सेल कर रहे, वो स्टेशनरी आइटम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये असेट होते हैं, तो बिजनेस में कंपनी का भी असेट होगा। तो सॉलोमन ने जब डिबेंचर्स खरीद लिए अपनी कंपनी के, सॉलोमन एंड कंपनी के, तो क्या हुआ कि जो असेट्स थे उसके ऊपर भी एक राइट सॉलोमन को मिल गया था, ठीक है। हुआ क्या, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनीज असेट्स वर नॉट सफिशिएंट टू पे इट्स डेट्स। अब देखो वाइंडिंग अप का क्या मतलब होता है, वाइंडिंग अप का मतलब होता है जब वो कंपनी डिसॉल्व हो गई, बंद करने जा रहे थे उसको, जब बंद हो रही थी कंपनी पूरी तरीके से, डिसॉल्व हो रही थी, उसे हम वाइंडिंग अप का प्रोसेस कहते हैं। तो कंपनी किसी वजह से होगा कि कंपनी बंद हो रही होगी। अब क्या होता है, जब भी कंपनी या किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बंद होगी, डिसॉल्व होगी, तो क्या करते हैं, जितना भी कहीं से लोन लिया है वो वापस करना होता है, ठीक है। तभी तो आप बंद करोगे ना, वरना जिसने आपको लोन दिया वो आ नहीं जाएगा कि भाई हमारा पैसा वापस करो, ठीक है। तो कंपनी वो बंद हो रही थी, तो चलो ये हुआ कि अब जितने जिनके लोन है उनको वापस कर दिए जाए। होता क्या है उसके बाद, कंपनी के असेट्स जो थे देवर नॉट सफिशियंट टू पे इट्स डेट्स। देखो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का जो पहले भी आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसमें ये है कि वाइंडिंग अप के टाइम पे जो असेट्स होते हैं उनसे वो लाइबिलिटीज़ क्या है, वही कर्ज, आप लाइबिलिटीज़ को कर्ज समझो, लाइबिलिटीज़ लिख देते इधर पर, लाइबिलिटीज़ मतलब कर्ज, जो कर्ज था
उसको जो है लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जैसे भी बात हो रही थी, उसके असेट्स यूज़ किए जाते हैं. असेट्स क्या होते हैं आपको बता दिए गए. तो क्या हुआ, इस कंपनी के असेट्स यूज़ करेंगे, सब पे हो गई, कुछ लाइबिलिटीज़ बच गई और असेट्स हो गए ख़त्म. असेट्स अब नहीं बचे कि लाइबिलिटीज़ बाकी पे कर दी जाए. ठीक है, तो असेट्स जो थे वो कम पड़ गए कि अब लाइबिलिटीज़ कैसे पे करी जाएगी. ये हो गया, असेट्स कम पड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता ऐसा. ठीक है, हुआ क्या, अब द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी अदर देन सैलिवन आर्ग्यूड दैट देयर डेट शुड बी क्लियर बिफोर पेइंग सैलिवन. देखो होता क्या, कंपनी जब चल रही थी जितना भी टाइम चली होगी, तो कंपनी ने, चलो शेयर तो सैलिवन ने सारे लिए, बाकी 6 शेयर उसकी फैमिली मेम्बर्स में चले गए. साल जब बिजनेस कंपनी कर रही होगी, मान लो जितने भी साल चली हो, तो उसने क्या किया, और भी तो लोगों से लोन लिया होगा. इस कंपनी ने राम से लोन लिया होगा, ए से चलो लोन ले लिया, बी से लोन ले लिया. तो जब लोन ले लिया तो क्या हो गया, ए बी राम इसके क्रेडिटर बन गए एंड कंपनी उनके डेटर बन गई. तो ऐसे कई सारे उनके क्रेडिटर हो गए कंपनी के. जब कंपनी वाइन वुंड अप होने लगी तो क्या हुआ कि असेट्स कम पड़ गए. पता चला असेट्स तो कम है, कैसे अब सारी क्रेडिटर्स, मान लीजिए ए पे हो गया, ए को ही केवल पे कर पाए, बी और राम के लिए बचे ही नहीं, कैसे पे करें. तो जो क्रेडिटर्स थे, बी और राम को भी हम ले लेते हैं, ये क्रेडिटर हो गए कंपनी के. इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्ग्यू कर दिया, इन्होंने क्वेश्चन करा, इन्होंने झगड़ा करा कि इनके जो, इनका जो बनता है, जो इनको वापस करना है, जो इनका लोन, इन्होंने जिन्होंने लोन दिया था इस कंपनी को, सैलिवन एंड कंपनी को, वो इन्हें पहले पे करना चाहिए. देखो पैसे कहाँ कहाँ पे करने हैं वो डिपेंड करता है कि आपको किसको किसको पे करने. ठीक है, जब वुंड अप होता है तो एक पूरा प्रोसेस होता है कि आप, ये नहीं कि आप कोई भी एसेट उठा दो, कोई आ गया कि हाँ भाई ऐसे हमको पैसे दो, आपने एसेट करके आपने उनको दे दिया, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, एक प्रोसेस होता है. तो उस प्रोसेस में क्या है ना, सबसे एक लिस्ट होती है कि मान लीजिए सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को पे किया जाता है, फिर शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है एंड फिर क्रेडिटर्स को पे किया जाता है. आप अभी यही देख कर चलो कि सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स, फिर शेयर होल्डर्स एंड फिर क्रेडिटर्स. अभी के लिए आप ये मान लो केवल कि डिबेंचर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स को पहले पे किया जाता है उन असेट से, फिर जो भी पैसा बचता है उससे हम क्रेडिटर्स को पे करते हैं. राम ए और बी क्रेडिटर्स हैं इस सैलिवन एंड कंपनी के, क्रेडिटर हुए क्योंकि शेयर्स और डिबेंचर्स तो सैलिवन ने खरीद लिए सारे, ले लिए सारे. तो जब कंपनी वुंड अप होने लगी तो कंपनी के असेट्स को पा रही है कि चलो असेट्स यूज़ करके पे करते हैं. तो अब असेट्स की जो अमाउंट उनके पास जब आया कि अब चलो पे करना शुरू करते हैं, सबसे पहले जाएंगे सैलिवन के पास, उसके पास शेयर्स है, उसने शेयर्स लिए हैं, उसकी फैमिली में जाएंगे क्योंकि बाकी शेयर्स भी उसकी फैमिली में थे, डिबेंचर होल्डर भी वही है, तो उसके पास डिबेंचर वाले भी जाएंगे. अब देखा पैसे ख़त्म हो गए, तो अब ये क्रेडिटर्स गुस्सा आ गए, इनको लगा कि ये कौन सी बात है कि हमने लोन दिया है हमको नहीं पे किया जा रहा है, पहले सैलिवन को और उसकी फैमिली को दिया जा रहा है. बिकॉज सैलिवन एंड कंपनी जो थी उनके, वो बात ये थी ना कि सैलिवन और सैलिवन एंड कंपनी, उनको लगा इन्हीं का तो बिजनेस है एंड वही सारा पैसा ले ले रहे हैं. उनको ये बात गलत लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, सारे पैसे वही ले ले रहे हैं और हमारे लिए कुछ बच ही नहीं रहा है. तो उन्होंने केस करा. ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ ये, पहले ये लाइन ऊपर देखे थे फिर से, द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी अदर देन सैलिवन आर्ग्यूड, उन्होंने ये आर्ग्यू करा दैट देयर डेट्स, इनका जो डेट था, जो इनका कर्ज, इनके कर्ज थे, वो सब जो थे शुड बी क्लियर्ड, उनको पहले क्लियर करना चाहिए, उन्हें पहले मिलना चाहिए पेमेंट, बिफोर पेइंग सैलिवन, बिफोर पेइंग सैलिवन फॉर हिज डिबेंचर्स, इसके डिबेंचर्स के लिए पे करने से पहले ये चाहते थे इनको पेमेंट करी जाए. बिकॉज रीजन सुनो उनका, सैलिवन एंड द कंपनी वर वन एंड द सेम पर्सन. क्यों, उन्होंने बोला सैलिवन ये जो पर्सन है एंड जो कंपनी है ये एक ही है, वन एंड द सेम पर्सन, ओनर तो यही है इस कंपनी का. ठीक है, ओनर जो है वो तो इस कंपनी का सैलिवन है. तो उन्होंने बोला कि सैलिवन और वो कंपनी तो एक ही है, सारे शेयर भी उसके पास, उसकी फैमिली में बाकी शेयर्स 6 शेयर बाकी सारे उसके पास है, डिबेंचर भी सारे सैलिवन ने ले लिए, कंपनी भी उसकी खुद की थी. अब जब कंपनी वुंड अप हो रही है, जब उससे उसके असेट से लोगों को पे बैक किया जा रहा है, तो उसमें भी सैलिवन और उसकी, उसको मिल गए सारी चीज़ें, बाकी सारे असेट्स ख़त्म हो गए.
बाकी पेमेंट जो इनको मिलनी चाहिए थी, जो बाहरी थे, जो आउटसाइड क्रेडिटर थे, उन्हें नहीं मिली, तो इन्होंने केस कर दिया। तो उन्होंने ये रीज़न रखा कि सैलमन और सैलमन कंपनी वन एंड सिंगल पर्सन है, एक ही तो है, अलग नहीं है, एक ही है, तो उनको पहले नहीं पेमेंट होनी चाहिए, पहले इनको पे करना चाहिए, राम ए और बी को पेमेंट मिलनी चाहिए। तो हुआ क्या, द कोर्ट डिसाइडेड दैट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, क्या वर्ड है, इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का मतलब है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद सैलमन एंड कंपनी, ये जो कंपनी है सैलमन एंड कंपनी, इस कंपनी का नाम था सैलमन एंड कंपनी, सैलमन और कंपनी को नहीं अलग अलग कर रहे, सैलमन अलग है और इस कंपनी का नाम था सैलमन एंड कंपनी। सैलमन एंड कंपनी हैड एन आइडेंटिटी, ठीक है, जो सैलमन एंड कंपनी है इसकी आइडेंटिटी जो थी सेपरेट फ्रॉम सैलमन, इवन दो ही ओन्ड वर्चुअली ऑल द शेयर्स ऑफ द कंपनी। जब केस हुआ तो कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद, ये जो कंपनी थी जिसका नाम है सैलमन एंड कंपनी, ये इस सैलमन से, जिसने ये कंपनी बनाई थी, जो ओनर था, उससे अलग हो गई, इसकी आइडेंटिटी लीगली सेपरेट हो गई फ्रॉम सैलमन बिकॉज इट वॉज रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के बाद ये कंपनी बनी, कंपनी का फीचर है कि रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद उस कंपनी की आइडेंटिटी, लीगल आइडेंटिटी, उसके ओनर से सेपरेट हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि जब सैलमन एंड कंपनी की आइडेंटिटी सैलमन से सेपरेट है तो ये वन एंड द सेम पर्सन नहीं है, इवन दो अगर वर्चुअली देखा जाए तो जितने भी शेयर्स कंपनी के थे वो सैलमन के पास ही थे, वो ही उसका ओनर था, उसी ने बनाई थी, सारे शेयर्स उसने लिए थे, बट उस लॉ के मुताबिक वो जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का है उसके चलते सैलमन और सैलमन एंड कंपनी अलग हैं, एंड इसलिए वो जो सैलमन को ही पे करा जाएगा बिकॉज डिबेंचर और डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर वही है। तो ये हुआ था सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। तो इस केस से पता चला कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कितना सॉलिड है, ठीक है। तो हुआ यही था कि सैलमन को ही पेमेंट हुई थी और ये जो क्रेडिटर्स थे इनको फिर कुछ नहीं मिला था। अब अगर ये केस हुआ होता पार्टनरशिप में, ये इसलिए बताया जा रहा, अगर ये केस पार्टनरशिप में हुआ होता, पार्टनरशिप में आपने ये देखा था कि उसमें बताया गया था पार्टनर्स की जो है उनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है, पार्टनरशिप फर्म की और पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर्स, वो अपने पार्टनर से सेपरेट नहीं है। ऐसे ही कुछ अगर पार्टनरशिप में हुआ होता तो उसमें क्या होता ना, जैसी असेट्स कम पड़े थे बाकी अमाउंट ये क्रेडिटर डायरेक्ट उस पार्टनर के पास जाते, वो जो पार्टनरशिप ओनर के अंदर जो पार्टनर्स उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से, तो क्योंकि जो पार्टनरशिप है उनमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती उस पार्टनरशिप फर्म की, जिसका मतलब है पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी हैम्पर किया जा सकता है, अटैक किया जा सकता है उस पर, ठीक है, उसको यूज़ किया जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता, ये कंपनी नहीं होती, पार्टनरशिप होती, यहाँ पे ए बी सी डी पार्टनर होते, जो पार्टनरशिप है उससे जब उसके जब असेट्स बेचकर सबको पे बैक किया जा रहा होता तो असेट्स कम पड़ गए होते कंपनी में, तो ये कम पड़ गए बस ख़त्म, अब कंपनी के पास कुछ नहीं बचा है कि वो जो पे करे आपको, तो बस कहानी खत्म, आगे कुछ नहीं होना है। पार्टनरशिप होती तो मान लीजिए जितना भी बचा होता, जिनको जिनको पेमेंट नहीं मिली होती वो डायरेक्ट पार्टनर के पास जाते, उस ओनर के, उन ओनर्स के पास जाते MM, और उनसे कहते कि भाई ये हमारी इनको वापस करो जितना भी अमाउंट बनता है, बिकॉज आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, आप और आपकी पार्टनरशिप एक ही मानी जाएगी। बट सिंस यहाँ पे सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था, सैलमन और सैलमन एंड कंपनी अलग थे सिर्फ, और इस वजह से ये क्रेडिटर्स अब इनके पास आकर नहीं ले सकते हैं और ये कंपनी भी इन्हें पहले पेमेंट नहीं करेगी, बिकॉज ये पेमेंट जो करनी होती है इसका एक ऑर्डर होता है कि पहले किसे पे किया जाएगा एंड क्रेडिटर्स को आखिरी में पे किया जाता है, इतना आप जान लो। तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो इस में भी इस एग्जाम्पल से थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, बट मेन ये डिपेंड कर रहा है ना कि आप इस चैप्टर को रीड करो, ठीक है, रीड करेंगे देन और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे के जो फीचर्स हैं, ये तो एक ही फर्स्ट फीचर था, आगे के फीचर्स नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, बिकॉज अभी ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना होगा, कंपनी बहुत ही नई चीज़ है आपके लिए, तो क्योंकि पिछले ओनरशिप से डायरेक्ट बहुत सारी चेंजेस इसमें आ गए, बहुत सारे डिफरेंसेस इसमें आ गए हैं एंड कॉन्सेप्ट भी थोड़ा डीप है, तो आई वुड प्रेफर कि आप ये जो शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कंपनी के बारे में जो कुछ टर्म्स हैं सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस,
लिमिटेड, और ये लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आगे भी आएगा, परपेचुअल सक्सेशन, जितने उस डेफिनेशन में टर्म्स थे उन टर्म्स के बारे में आप थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट रीड कर लो, नॉट फ्रॉम द बुक, फ्रॉम गूगल, फ्रॉम इंटरनेट, बिकॉज बुक में नहीं है, बट ये इसलिए बता रहे कि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी कि ये कंपनी में एक्चुअली होता क्या है. बहुत डिटेल में मत जाएगा, बस जितना समझ आए उतना ही रीड करो आप, केवल वो जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन नहीं आती उतना ही देख लो तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये होता क्या है. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद दीज फीचर्स, जो आगे के फीचर्स बचे उनको देखा जाएगा, एंड टिल देन आप अपना ये रिवाइज करते चलो, एंड चलो बाय.